हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। में मैं हूँ आपका अपना राजभर राज आपके सामने एक्सट्रीम 125R। और इसके अंदर की गई है मॉडिफिकेशन जो है वो बेसिक मॉडिफिकेशन, जैसे कि आपको पता है कि इसमें टॉप नॉच मॉडिफिकेशन, बेसिक मॉडिफिकेशन और फुल लोड मॉडिफिकेशन और टूरिंग मॉडिफिकेशन, सारी मॉडिफिकेशन मिल जाएगी आपको हमारे चैनल पर, जो कि मिलता है आपको राजभर एसकेडे के नाम से। और ये जो है ये बेसिक वाली है, इसमें दिखाया आपको क्या क्या इसमें किया गया है। सबसे पहले दिखाऊंगा आपको लीवर गार्ड, जो कि देख सकते हो आप, ब्लैक बाइक है तो ब्लैक एंड कार्बन की मैचिंग लगा दिया है। लीवर गार्ड जिससे आपके लीवर और हैंड दोनों होते हैं पूरी तरह से प्रोटेक्ट, देख सकते हो आप, इधर से भी सेम मिलेगा आपको। इस तरफ लुक चेकआउट कर लो किस तरीके से इसके आते हैं लगने के बाद। और साथ में इसमें लगा देंगे टाइटेनियम कलर के, इसके अंदर हैंड ग्रिप जो कि इधर होता है CNC, ये होता है आपका रबड़ का, जो लुक भी एनहेंस हो जाता है, लुक के साथ साथ ना सेफ्टी भी होती है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि कंफर्टेबल राइड होती है आपकी इसे लगाने के बाद। और साथ में इसमें लगा देंगे मोटो जींस का ओरिजिनल मोबाइल होल्डर, जिसमें मोबाइल होल्ड करके कहीं पर भी इजी टू राइड कर सकते हो आप GPS ऑन करने के बाद। और ये नॉर्मल नहीं है, ये देखिए साउंड नहीं है इसके अंदर। आप बेसिक अगर कहीं से लेते हैं सस्ता वाला मोबाइल होल्डर तो उसमें क्या होता है साउंड होती है इसके अंदर बाइक चलाते हुए, बट इसके अंदर ऐसा कोई इशू नहीं है क्योंकि ये आपका मोटो जीनियस का इसलिए। और साथ में इसमें लगा देंगे, आप देख सकते हैं नीचे की तरफ ये है इसके व्हील कवर, जो कि इसमें लगा देंगे दोनों तरफ, देख लो इस तरफ से भी ये लगा दें लुक एनहेंस करने के लिए, और सेम मिलेगा आपको इस तरफ। और ये ब्लैक कलर के कलर्स में वैसे बहुत सारे आते हैं, बट मैं ज़्यादा इसमें ऐसे उल्टे से कलर लाता नहीं हूँ, माना नियॉन हो गया, रेड हो गया, ब्लू हो गया, कार्बन हो गया, बहुत सारे कलर इसके अंदर आते हैं, बट ये सिंपल सोबर है जो कि इसके अंदर अच्छे तरह डिसेंट लुक देती है इसे लगने के बाद। साथ में इसमें लगा दें शॉक प्रोटेक्शन फॉक्स लेडर, शॉक प्रोटेक्शन फॉक्स लेडर से इसकी जो लुक है वो तो इन्हें सोती होती है, बट लुक के साथ साथ पता क्या होता है इसका मरगार्ड और शॉकर, ये होता है आपका पूरी तरीके से सेफ। सेफ इसलिए क्योंकि जब भी अगर वो गाड़ी आपकी साइड से कोई मारता है तो आपका शॉकर पे और मरगार्ड में, यहाँ पर आपका डायमेंशन होने का खतरा होता है, तो ये सेफ करता है, लुक भी काफ़ी एनहेंस हो जाती है इससे भी, और सेम इससे भी, इससे आपकी डिस्प्ले सेफ होती है, ABS प्लेट होती है ये भी आपकी सेफ हो जाती है। आप इसे कहते हैं फॉक्स लेडर, ये आपका फॉक प्रोटेक्शन, ये होता है कॉम्बो किट जो कि इसके अंदर लगा हुआ दोनों तरफ, इधर भी सेम मिलेगा इस तरफ। और कलर का कोई टेंशन है नहीं, कलर आपको तो इसमें कोई भी आप हमसे ले सकते हो जो आप चाहो वो। इधर आपकी लगा दी गई विंगलेट जो कि ब्लैक कलर की लुक एनहेंस करने के लिए। और साथ में इसमें देखने मिलेगा क्रैश गार्ड जो कि लगा दी गया, वही जो हम लगाते हैं हमेशा प्रॉपर फिटिंग वाला क्रैश गार्ड इसके अंदर मिल जाता है आपको। फिटमेंट आप चेकआउट कर सकते हो, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक मिलती है आपको फ्रंट की तरफ। और अमूमन क्या होता है अगर आप बाहर आफ्टर मार्केट से लगवाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं मैं आपको उसकी आपको सबसे बढ़िया बताया दूँ कि किस तरीके का वो होता है आफ्टर मार्केट वाला। एक तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा होता है एक्सट्रीम 125R, बट सिर्फ लिखा होता है, बट होता क्या है पत्ती और जुगाड़ वाला। जुगाड़ वाला तो एक पत्ती लगी होती है नीचे की तरफ अंदर इस तरफ जो है मिलेगी, सेकेंड मिलेगी आपको इस तरफ पत्ती, और इधर भी जो अभी आपको मिलेगी पत्ती ही, तो पूरा पत्तियों पर टिका होता है वो। जिससे जैसे कि इसको मैं हिला रहा हूँ तो गाड़ी हिल रही है, वो गाड़ी नहीं हिलेगी, वो पूरा खाली क्रैश गाड़ी हिलेगा, तो उसको लगाने का मोटिव होता नहीं है मेरे हिसाब से, तो कि ना लगवा ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो आपको मिलता है 1200 से 1300 रुपये का, और मेरा थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि मेरा खुद का बनता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है थर्ड क्वालिटी में काम करता नहीं, जो करता हूँ टॉप क्वालिटी करता हूँ। और ये इसके साथ सेम मिलते हैं इसके अंदर वही जो आपको मिलते हैं फ्रेम स्लाइडर, फ्रेम स्लाइडर से ये बेनिफिट होता है जब भी आपकी गाड़ी गिरती है स्किट होती है तो आपके फ्रेम स्लाइडर पूरे के पूरे बचाते हैं, और बचाने के साथ ना गाड़ी में जैसे मेरे पेट्रोल वगैरह नीचे गिर जाता है तो उससे चिंगारी वगैरह नहीं है, जिससे कि आग लगने का खतरा बिल्कुल भी नहीं होता। सेम इधर सेम देखने में अगर इस तरफ लुक चेकआउट कर लो किस तरह की आती है। और साथ में आपको मिलेंगे इसमें हॉर्न जो कि लगा देंगे इसके अंदर, ये इसके हॉर्न है जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे। हॉर्न लगाने के बाद आपको आराम से साइड मिल जाती है, वरना जो इसके अंदर हॉर्न होता है वो होता है मोपेड वाला, जैसे कि पता ही आपको कि साइड तो कुछ बहुत दूर की बात है, आप बजाओ आपको पता नहीं लगेगा मैंने हॉर्न बजाया है नहीं बजाया। और साथ में आपको मिलती है इधर गियर शॉक्स, देख सकते हो ये भी इसमें इंस्टॉल कर, जिसका शूज़ होता है पूरी तरह सेफ। और उधर मिलता है आपको साइड स्टैंड जैकेट, साइड स्टैंड लगाने के बाद एक तो आपकी बाइक स्टेबल खड़ी रहती है, दूसरा आपका स्टैंड भी नहीं घिसता है। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ इधर, देख सकते हैं ये है इसका ब्रेक पैंडल एक्सटेंडर जो कि इसमें लगा देगा। ब्रेक पैंडल एक्सटेंडर इसलिए नीडफुल होती है क्योंकि जो इसका ब्रेक पैंडल होता है ना वो होता है बहुत ही स्लिम ट्रिम होता है, और स्लिम ट्रिम होने के साथ साथ क्या होता है पैर स्किट होने का खतरा ज़्यादा होता है उसके अंदर, क्योंकि जब भी ब्रेक मारते हैं बारिश है कुछ भी है तो पैर स्किट होकर ब्रेक नहीं लगेंगे, तो उस केस में इसमें एक्सटेंड करने के लिए लगा देगा ब्रेक पैंडल एक्सटेंडर। और उसके बाद साथ में इसमें पीछे देखने को मिलेगा आपको, ये देखिए ये है इसका लेडीज़ फुटरेस्ट जो कि मिलता है आपको प्रॉपर फिटिंग वाला, जैसे कि आप शोरूम में देखते हैं ना सर्विस सेंटर के अंदर, वही सेम इसका हमने बनवा दिया आपका, सेम लुकिंग के अंदर सेम क्वालिटी के अंदर आपको मिल जाता है लेडीज़ फुटरेस्ट, ये होता है आपका प्रॉपर फिट में। इसके नट बोल्ट वगैरह किट ना सारी हम देते हैं साथ में, कोई कोरियर कराता उसको बेनिफिट, जो नहीं कराता लगवाता है अगर उसके लिए मिलता है इसके अंदर बेनिफिट। और ये आप लुक चेकआउट कर सकते हो, और इसमें ना वेट की बात करी जाए तो मेरे जैसे बंदा भी इसमें आराम से चढ़ के बैठ सकता है। और यहाँ पर आकर इसकी तो हो गई मॉडिफिकेशन कंप्लीट, अब मिलाना चाहूँगा भैया से, जिन भैया की ये बाइक है उनको कैसा लगा, आइए सर। तो हेलो सर,
सर कैसे हैं आप और कहाँ से आए हैं और कैसा लगा ये बताइए। मैं भैया आया हूँ नजफगढ़ से, मैं 4-5 दिन से देखा था वीडियो इनकी। वैसे इन्होंने सर मेरी नहीं देखी है क्योंकि मैंने इनका फ़ोन चेक किया, पूरी मार्केट की वीडियो उन्होंने देखी थी। यहाँ आने के बाद देखना पड़ा मुझे कि वीडियो सही है या नहीं है, बट जो वीडियो में था उस हिसाब से, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, उम्मीद के हिसाब से सामान भी वही है, काम भी वही है और पैसे भी वही हैं, कुछ भी इसमें गलत नहीं है इनका। हम अलग हैं सर। हाँ नहीं, भैया भी वही हैं, मैं अलग हूँ, कल कोई और होगा। तो कैसा लगा आपको वाला मॉल? नहीं बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। एटमॉस्फेयर कैसा लगा? नहीं यहाँ का मॉल भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि चार गाड़ी आई तो वेटिंग नहीं है, बंदे बहुत इनके पास, हाथों हाथ काम स्टार्ट होता है इनका, कोई दिक्कत नहीं। ऑल ओवर सेटिस्फाइड है? फुल सेटिस्फाइड। मैं फिर आऊँगा, कोई दिक्कत आएगी और कोई भाई आना चाहे हमारे बिल्कुल क्या रिकमेंड रहेगी? बिना सोचे समझे आ सकते हो, बिना सोचे समझे। ठीक है जी, फिर ना आइए ना, आप क्या कहना भी है। तो थैंक यू सो मच सर, ठीक है आपका आने के लिए, और आपको भी कराना ऐसा कोई भी। और भैया ने डिस्काउंट भी दिया है, पैसे में भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने देख लिया काम कैसा है, किस तरीके से हुआ है यहाँ पर, भैया की बाइक का, भैया का रिव्यू आपने चेक कर लिया। बाकी अगर कुछ क्वारीज वगैरह हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एड्रेस, लोकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ डाला हुआ है। बाकी कोई मुझसे पर्सनली बात करना चाहता हो, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है 7827-217-14, वो मेरा पर्सनल नंबर है। आप चाहो तो मेरे से भी डायरेक्ट कॉल करके या व्हाट्सअप करके कुछ भी क्वारीज को आप मंगा सकते हो अपने घर बैठे। और बाकी करना क्या पता ना, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो, जब तक जय श्री राम, जय हिंद, गुड बाय।